नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़, मैं तुषार आपके साथ। क्या संजय सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो गैर कानूनी था? क्या हाई कोर्ट ने संजय सिंह पर जो फैसला सुनाया वो एक तरफा था? क्या संजय सिंह बेकसूर है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी? क्या ये सब चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है? क्या ये सब जो पूरा प्रकरण चल रहा है इससे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है? दर्शकों, आपको बता दें, एक के बाद एक ये सभी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे और उनके समर्थक इन सवालों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें संजय सिंह की, तो 10 नवंबर को जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की सुनवाई होनी है, तो वहीं अब संजय सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। जो पहले दो सवाल मैंने आपसे पूछे, वही दो सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। कहा है कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई वो गैर कानूनी थी और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो एक तरफा था। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह ने याचिका डाली थी कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी हुई है और इसके मुताबिक उन्हें रिहा किया जाए, बेल दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी ये जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला भी शुरुआती दिनों में है, इसमें अभी इतनी जल्दी बेल नहीं दी जा सकती और जो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि जो स्पेशल कोर्ट है उसका जिस तरीके से जो फैसला आया है, जिस तरीके की वो कार्रवाई कर रही है, वहां से जो हमें देखने सुनने को मिला है उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका फैसला, उनकी जो कार्रवाई है वो ठीक है। ऐसे में अभी आपको जो है बेल नहीं दी जा सकती और इसको चुनौती देते हुए वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है। क्या लगता है आपको दर्शकों कि क्या संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट राहत देगा? क्या संजय सिंह को यहां पर सुप्रीम कोर्ट बेल देगा? जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और जब उन्हें यहां पर बेल मिलने की आशंका जताते हुए भी यहां पर बेल देने से इनकार कर दिया जाता है, तब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता है। 300 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में कैद है और उसके बाद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो है बेल नहीं देता है। ऐसे में क्या संजय सिंह जो अभी अभी यहां पर जेल गए हैं, क्या उनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल देगा? मुश्किल है, कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि अब ये ईडी की जो काज है वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल पर भी गिरने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक ये भी कहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी इसमें किस तरीके से शामिल है इसके बारे में अभी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि 6 से 8 महीने यहां पर ईडी को दिए गए हैं पूरे के पूरे मामले को खत्म करने के लिए, लेकिन संजय सिंह पर इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या संजय सिंह को यहां पर बेल दिला पाएंगे उनका वकील? जहां अभिषेक मनु सिंघवी जो है, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और एक देश के जाने माने वकील हैं, लॉयर हैं, वो जहां मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिला पाए तो क्या संजय सिंह बाहर आएंगे? क्या सोचते हैं आप इस पूरी खबर पर और क्या लगता है आपको कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब संजय सिंह जाएंगे तो उनका ये मामला कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, टिक भी पाएगा या नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।